हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर एक न्यूज़ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो न्यूज़ है आपकी, पहले से पाँचवीं कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक नहीं होंगे पात्र। चूँकि एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ने जो चीज़ें कही हैं उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये शिमला की न्यूज़ है, ये एचपी की न्यूज़ है, उसने फैसला लिया है। तो एनसीटीई आपके हर एक स्टेट के लिए काम करती है, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे में आपको भी यह जानकारी बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बीएड डिग्री धारकों को वैलिडिटी नहीं दी है या ऐसे में पात्र नहीं माना है तो वो क्यों नहीं माना है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, सुबह 10 बजे डेली सीटेट यूपीटेट की एमसीक्यूज़ की लाइव क्लास होती है यहीं पर हमारे इस चैनल पर, और शाम को 7 बजे हम शिक्षक भर्ती की क्लासेस को पढ़ते हैं। जुड़े रहिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उसे भी आप ज़रूर जो है जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रदेश में पहली से पाँचवीं कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाने के लिए JBT DLED ही पात्र होंगे, और ऐसे में इस संबंध में सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को यह पत्र जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है। आप यहाँ पर आगे देख पा रहे होंगे जो भी बातें यहाँ पर कही गई हैं कि बीएड जो है वो छठी से दसवीं के लिए ही, दसवीं कक्षाओं के लिए ही मान्य है। इसमें आगे आप देख पा रहे होंगे कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले राज्यों को पत्र जारी किए थे, ठीक है जी, यानी कि एनसीटीई आपका हर एक स्टेट्स का है, इसीलिए आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें JBT DLED के साथ साथ बीएड डिग्री धारकों के पात्र होने का भी यहाँ पर के पात्र धारकों का भी पात्र होने का हवाला दिया गया था। मतलब एनसीटीई ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, जैसे आप अगर यूपी की बात करते हो तो बीएड डिग्री धारक बिल्कुल वो क्या हैं, आपके पात्र हैं, बट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें ऐसे में पात्र नहीं माना है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य में JBT DLED प्रशिक्षुओं की पर्याप्त संख्या है, इसलिए बीएड डिग्री धारक आवेदन पत्र के लिए जो है वो पात्र नहीं माने जाएंगे। तो क्या कुछ यहाँ पर एक रिजल्ट निकल करके आता है वो समय बताएगा। आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से जारी रखिए, जो आपकी शिक्षक भर्ती है सीटेट यूपीटेट को लेकर के। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।